हाय फ्रेंड्स, मैं मीना, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी पोटैटो कटलेट। स्टार्टर की रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बड़े बॉल में 6 बॉयल आलू हमने लिया है, एक बड़ा गाजर ग्रेट किया हुआ, आधा कप हरा धनिया पत्ता, एक मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, आधा शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, एक बड़ा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, एक छोटी चम्मच गरम मसाला, एक छोटी चम्मच जीरा पाउडर, एक बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट, नमक स्वाद के अनुसार, 4 ब्रेड है जिसे हमने मिक्सी में पीस कर लिया है। ब्रेड क्रम बनाने की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। सारे सामग्री को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम 1 क्यूब चीज डालेंगे। चीज को हम ग्रेट करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। सारे सामग्री को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम कटलेट बनाएंगे। जैसे आपको पसंद हो छोटे बड़े कटलेट आप बना सकते हैं। इसी तरह से सारे कटलेट को हम बनाकर तैयार करेंगे। कटलेट को क्रिस्पी बनाने के लिए हम मैदा और कॉर्नफ्लोर का घोल बनाएंगे। बड़े बॉल में 3 बड़ा चम्मच मैदा डालेंगे, 3 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1/4 चम्मच कूटी हुई काली मिर्च, 1/4 चम्मच नमक, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, इसी तरह का पतला घोल होना चाहिए। इतना घोल तैयार करने में हमने 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अब हम कटलेट लेंगे और घोल में डीप करेंगे। अच्छे से डीप करना है। कटलेट को उठाएंगे और ब्रेड क्रम से कोट करेंगे। ब्रेड क्रम से अच्छे से कोट करना है। देखिए, इसी तरह से हम सारे कटलेट को बनाकर तैयार करेंगे और तेल में फ्राई करेंगे। कटलेट को फ्राई करने के लिए हमने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। कटलेट को हम मीडियम आंच पर अच्छा क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। कटलेट को हम पलट लेंगे। कटलेट को हमने अच्छा क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं कटलेट हमारा कितना क्रिस्पी और कितना अच्छा बना है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे कटलेट को फ्राई करेंगे। लीजिए दोस्तों, गर्मा गर्म पोटैटो कटलेट बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी और कितना अच्छा बना है। इसी तरह से आप भी बनाइए, खाइए और कमेंट में बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।